वाल्मीकि समाज के युवक के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए भाजपा युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। हत्याकांड के अपराधियों को जल्द फांसी दिए जाने के साथ परिवार को मुआवजा व आश्रित को नौकरी देने की मांग। 1 जुलाई को झालावाड़ में वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि की हुई निर्मम हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों युवा मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतीकात्मक पुतले को गधे पर बिठाकर लेकर आए और पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहर जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि 1 जुलाई को झालावाड़ में हुए वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या के अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। झालावाड़ में आधा दर्जन असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों से लैस होकर वाल्मीकि समाज के युवक कृष्णा वाल्मीकि की सरेआम उसकी गाड़ी रोककर हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई। अपराधियों ने घटना का वीडियो बनाया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस हत्याकांड को झालावाड़ के आदतन अपराधी सागर कुरैशी के इशारे पर उसके गुर्गों द्वारा अंजाम दिया गया। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या करने के बाद सभी अपराधी आज बेखौफ खुलेआम घूम रहे हैं। इस घटना से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। हमारी मांग है कि सागर कुरैशी व उसके सभी साथियों को जो हत्या के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं गिरफ्तार करने के साथ ही फास्टैग अदालत में केस चलाकर फांसी की सजा सुनाई जाए। मृतक आश्रित के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक युवा मोर्चा का प्रदेश भर में आंदोलन जारी रहेगा। उसकी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हत्या कर दी गई है और उसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया सरकार के द्वारा, तो आज युवा मोर्चा अजमेर ने इसी चीज़ को लेके कलेक्ट्री के ऊपर ज्ञापन दिया है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए और जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले और साथ में उनके परिवार के अंदर किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये सामाजिक रूप, ये एक छोटी सी झांकी है जो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा दिखाई गई है। अगर आगे फ्यूचर के अंदर इस चीज़ का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो युवा मोर्चा एक उग्र आंदोलन करेगा और फिर प्रशासन को जगाएगा। जो कि आप देख रहे हो कि जो कांग्रेस सरकार है, जो मुख्यमंत्री वो 2-2 महीने तक अपने घर के अंदर क्वारंटाइन हो रखे हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जो केवल अपनी सरकार बचाने के लिए वहाँ पर लगे हुए हैं, तो उसी सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ का जल्द से जल्द रिजल्ट निकाला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं सजा दी जाए जल्द से जल्द, ये युवा मोर्चा का निवेदन है। अगर जो सरकार है वो इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, कोई भी इसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है,
तो युवा मोर्चा अजमेर के द्वारा उग्र आंदोलन करा जाएगा आने वाले समय के अंदर, और ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो जयपुर कलेक्ट्री के अंदर आपने देखा, जो प्रदेश युवा मोर्चा ने जो वहाँ पे आंदोलन करा था, तो सरकार के द्वारा जो लाठीचार्ज की गई, एक बहुत ही गलत छवि दर्शाती है कांग्रेस सरकार की। तो इस चीज़ को लेके भी आज ये आंदोलन था, और आगे भी वाल्मीकि समाज के लिए और हर समाज के लिए युवा मोर्चा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मुख्यमंत्री जो है अशोक जी गहलोत, उनका पुतला जलाया गया।